कि अगर आमने सामने हमारी मनोज सिन्हा से लड़ाई हुई तो वो गणना कराने नहीं आएंगे। समाजवादी पार्टी से भी, उसके सिंबल से भी गाजीपुर में ही मनोज सिन्हा के मुकाबले 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। सर फिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। मनोवर राणा की जबान में जंग आज़ादी में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर सीपूजन राय और भारत पाकिस्तान की जंग में ब्रिगेडियर उस्मान वीर अब्दुल हमीद ने शहीद होकर ये साबित किया था कि हम गद्दार नहीं हैं और न हम कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे हैं। इन्हीं परिवार से संबंध रखने वाले काजी घराने के सपुत्र अफजाल अंसारी हैं, जिनके घर में एक नहीं एक दर्जन जंग आज़ादी के सिपाही हैं और यही लोगों को खटकता है। बीजेपी में करीब 125 एमपी इस वक्त मौजूद हैं, जिन पे मुकदमे कायम हैं और न आज तक उनका कोई फैसला आया। पूरे भारत की महिलाएं ये देखती रहीं, पूरे भारत के लोग ये आश्चर्य हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाला में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा दोनों मुजरिम बनाए गए थे, मुकदमे चले, जगन्नाथ मिश्रा को आज़ाद कर दिया गया, बरी कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव को जेल की सलाखों में रखा गया। ये इंसाफ है भारत की और भारत के लोग इस इंसाफ पर पूछ रहे हैं ये कैसा इंसाफ। दूसरी तरफ पूछ रहे हैं महिला पहलवान जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में कायम किया था और इन महिला पहलवानों के साथ क्या सलूक किया भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने। इनकी शिकायत जब चारों तरफ की गई, किसी तरफ सिर्फ एफआईआर हुआ और आज तक भारतीय जनता पार्टी के आंखों के तारा बने हुए उस एमपी साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देश पूछ रहा है क्या यही देश होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या गरीबों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध गाजीपुर के एमपी अफजाल अंसारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, पूरे इतिहास में लिखा जाएगा कि इनकी सजा दिलाकर इनकी सदस्यता को किस तरह आनन फानन में ख़त्म किया गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इनकी सदस्यता बहाल नहीं होती और इन्हें किसी तरह मारने का प्रयास किया गया सदस्यता समाप्त करके। लेकिन ईश्वर के यहाँ अंधेर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी आवाज़ को सुना और महसूस किया इनके साथ ज्यादती हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है और इन लोगों की सदस्यता को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बहाली के बाद पार्लियामेंट सांसद भवन की के जरिए इनकी नोटिफिकेशन जारी करके सदस्यता जारी कर दी गई और अब अफजाल अंसारी हो या राहुल गांधी हो, सब लोग अपने मिशन पे भारत में एकता कायम करने के लिए, भारत की अखंडता और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए निकल पड़े हैं। अफजाल अंसारी जनपद गाजीपुर के उन तमाम जगहों में जा जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और मिलने के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं नौजवानों से
और उपस्थित लोगों से, क्या आपके बच्चों को नौकरी मिल गई? क्या आपके सिलेंडर का दाम कम हो गया? क्या आपका हॉस्पिटल में इंतज़ाम अच्छे हो गए? क्या आपके डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए? महंगाई में कमी आ गई? इन तमाम सवालों का जवाब पूछ रहे हैं अफजल अंसारी। लोगों से गुफ्तगू जब करते हैं ये पूछते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल रखा जाता है कि क्या अपोजिशन पार्टी के लोगों में ही, उनके ऊपर ही ईडी और इनकम टैक्स अधिकारियों का छापा पड़ता है और उन तमाम लोगों के ऊपर कोई छापा नहीं पड़ता है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं? और हक तो ये है कि प्रधानमंत्री जिस शख्स का नाम लेकर ये ऐलान करते हैं ये इतना बड़ा अपराधी है, घोटालाबाज है, इतना रुपये का मालिक है, जब लेकिन जब वह प्रधानमंत्री के साथ हो जाता है तो उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। लोग हंस रहे हैं, कैसा राज चल रहा है, क्या हो रहा है? हक तो ये है कि अफजल अंसारी आज जो हैं, अफजल अंसारी को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यूसुफपुर मंडी में आकर समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था और उसके बाद अफजल अंसारी एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1985 में कांग्रेस पार्टी के अभय नारायण राय को 3064 वोट से पराजय किया था। और अफजल अंसारी एक बार नहीं पांच बार विधायक रह चुके हैं 1985 से 2002 तक। 2004 में तो अफजल अंसारी ने आदरणीय ही भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा जी को 2,26,777 वोट से 2004 में पराजय किया था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से 2019 में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से हमारे यहाँ के सांसद और मंत्री मनोज सिन्हा को हार दिलाई थी। उसकी वजह क्या है? उसकी पहली वजह यही है कि अफजल अंसारी जिस तरह से उन गरीबों के घरों में जा जाकर उन गरीबों के हालात को पूछते हैं, और हद तो अभी कर दिया है अफजल अंसारी ने इस मर्तबे 2019 में चुनाव जीतने के बाद, जिसके अंदर कोरोना काल भी है, जिसके अंदर उनको जेल में रहने का 90 दिन का भी अनुभव भी है, इन तमाम परेशानियों के बाद 250 किलोमीटर की सड़क प्रधानमंत्री योजना के अंदर जिला गाजीपुर के संसदीय क्षेत्र में बनाने का जो रिकॉर्ड कायम किया है ये लोग भूल नहीं रहे हैं और ये एहसास कर रहे हैं कि आज तक ऐसा काम तो किसी ने नहीं किया था। यही वजह है कि अफजल अंसारी के साथ वो तमाम विधायक जो अभी किसी पार्टी में हों या बाद में हों, हमेशा उनसे मिल कर करके साथ साथ चल कर करके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और इस बात का एहसास हो रहा है कि अफजल अंसारी ने जो बातें कही हैं इससे बात पर सुनने की ज़रूरत है। अफजल अंसारी विशेष मुलाकात में क्या कह रहे हैं, जिसमें T2 न्यूज़ के लिए विशेष रिपोर्ट। 5 साल उम्र बढ़ गई, इस 5 साल 4 साल 4.5 साल इस मध्य एक दिन भी चैन से रोटी खाने नहीं दिया इस सरकार ने। जनता का अभूतपूर्व समर्थन मेरे साथ रहा और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूं। मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर के शरीर प्राण त्याग देता, लेकिन मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। अत्याचार और जुल्म के बल पर
मुझे थकाया नहीं जा सकता, मुझे पस्त नहीं किया जा सकता। गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, उनके मान सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे हमेशा लगाया, आज भी लगा दिया हूं। थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मैंने बताया कि अब मैं चुनाव लड़ने योग्य हो चुका हूं और इच्छा भी चुनाव लड़ने की है। सबसे पहले क्षेत्र में घूम रहा हूं, जमानिया विधानसभा में घूमा हूं, सैदपुर और गाजीपुर सदर विधानसभा में भी भ्रमण कर लिया और कल मेरा जखनिया विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा में प्रोग्राम लगा हुआ है। जनता का मूड देख लिया जाए। चुनाव लड़ने का जो सवाल है, मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूं और इतिहास पढ़िएगा तो 4 बार शुरू का चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पे ही लड़ा था, समाजवादी पार्टी से भी, उसके सिंबल से भी। गाजीपुर में ही मनोज सिन्हा के मुकाबले 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से 2019 में भी चुनाव लड़ चुका हूं। आगे क्या होगा हमारी तो चिंता आप सबको है, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा चिंता उन लोगों की भी कीजिए कि अब कौन लड़ने आएगा। पहले तो कई लोग, जब मैं पटल से हटा दिया गया था, मौका मिला तो आप तैयार हैं चुनाव? भाई मौका मिला तो हम तो कह रहे हैं, हम उसी संभावनाओं को देखते हुए ही तो क्षेत्र की जनता के बीच में, अगर मेरे लिए आज भी उसकी रजामंदी है और मुझे तो जो उम्मीद लेके गया था उससे 10 गुना ज्यादा जनता के बीच में हमारे लिए जो सहानुभूति और मोहब्बत देखने को मिली, मैं 10 चुनाव में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उस बार भी कि अगर आमने सामने हमारी मनोज सिन्हा से लड़ाई हुई तो वो गणना कराने नहीं आएंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, चुनाव तो लड़ सकते हैं, गणना के टेबल पे मेरे सामने नहीं बैठेंगे।